दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनसिक्योर्ड डेज, न्यूज ऑफ द डे और आप पीवाईक्यू ऑफ द डे भी आप कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पर ये वीडियो देख सकते हैं। आप जरूर वीडियो सेक्शन में जाकर इसे देखा करें। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव स्टडी सर्च करिए, पीडीएफ आपको इसमें मिलेगी, लिंक्स भी आपको इसी में मिलेंगे सभी के सभी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और न्यूज ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। देखिए आज की न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट में से एक जो है, सबसे इम्पोर्टेंट यही न्यूज़ है। सेरम इंस्टीट्यूट ने हाल फिलहाल में कौन सी कंपनी है जिसके स्टेक्स लिए हैं, 50% स्टेक बाय किए हैं? तो स्कॉट ठेक ऐसा एक फर्म है, ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट वेल मेकर फर्म है। तो इसके स्टेक्स लिए हैं। देखिए क्यों लिए हैं, सेरम इंस्टीट्यूट भी एक लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर है, तो डेफिनेटली इनको अपने वैक्सीन सीरम्स को स्टोर करने के लिए वेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वेल्स होते हैं वो बोटल्स जिसमें सीरम्स लिक्विड जो ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है, सिरिंज और ये सब चीज़ें आपने सुना होगा, ठीक है। तो वेल मेकर है ये कंपनी जिसके साथ इन्होंने 50% स्टेक लिए हैं। तो एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, स्कॉट कैसा, क्योंकि मैंने सीरम के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा जब वैक्सीन के बारे में बताया था, लेकिन इसका बताते हैं। स्कॉट कैसा जो है एक जॉइंट वेंचर है जिसमें जो स्कॉट है ये एक जर्मनी कंपनी है जो कि ग्लास मेकर है, और कैशा जो है एक इंडिया की कंपनी है। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया था, तो इसलिए इसे स्कॉट कैशा कहा जाता है। और ये मतलब ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करते हैं वेल की, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो सेरम को इसका 50% के खरीदना ज़रूरी भी था आगे बढ़ने के लिए, तो महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में एक स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है एक स्कीम के अंडर, स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंडर जो है इसे स्टार्ट किया है। तो ये इतनी जो केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है, इन सभी में से उड़ीसा ने इसे किया है। देखिए उड़ीसा ने इस स्कीम का नाम ये जो रखा है ना, देखिए आप इधर देख सकते हैं कि ये जो योजना है विजु, ठीक है, स्वास्थ्य कल्याण योजना है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ीसा की स्कीम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस इतना याद रखिएगा कि इसके अंडर कितने लोग जो है कवर किए जाएंगे, तो 3.5 करोड़ लोगों को इसमें स्मार्ट हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है। उड़ीसा इज़ द फर्स्ट स्टेट, उड़ीसा पहला राज्य भारत में जिसने ये ऐसे स्मार्ट हेल्थ कार्ड दिए। ये डेबिट कार्ड की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति को मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो इस कार्ड को यूज़ करके, इसे एज अ डेबिट कार्ड यूज़ करके यूटिलाइज कर सकता है। तो बेहतरीन है, इसमें ईच फैमिली टू गेट द ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ अराउंड 5 लाख पर एनम, ये इसका, ठीक है, अपडेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट किस राज्य के बने हैं, जैसे एग्जाम्पल मोहन, ठीक है, और जितने भी हैं तीनों आप एक बार रीड करिए, और ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये किस राज्य के बने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, जब किसी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट बढ़ते हैं तो वो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये अनाउंसमेंट सीएम ने करा है खुद। तो 4 डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं और क्या बोलते हैं 18 तहसील भी बनी है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के अब इन टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हो चुके हैं, 32, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, एनर्जी इंडिपेंडेंट इंडिया को बनाना है कब तक, ये टारगेट इंडिया ने खुद रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब तक, 2047 तक। देखिए इम्पोर्टेंट किस लिए है, इसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर ही दिया था इंडिपेंडेंस के समय, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। तो इंडिया का टारगेट क्या है कि 2047 तक इंडिया विल बी एनर्जी इंडिपेंडेंट, ये तो अनाउंसमेंट था। उसके बाद और अब डिटेल सामने आई है कि किस तरीके से, तो देख लेते हैं। हमारा जो टारगेट है कि इसके लिए हमें, देखो, एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है मतलब हमें जो अभी हम एनर्जी के सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कि हम उसे यूज ना करें, उसकी जगह और सोर्सेज हमारे पास हो। तो उसके लिए एक मिशन स्टार्ट किया जा रहा है, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, इसमें हम पेट्रोलियम को स्किप करेंगे, वी विल रिप्लेस पेट्रोलियम विद अनदर एनर्जी फॉर्म्स। आप सभी जानते हैं कि एनर्जी फॉर्म्स अदर कौन कौन सी है, क्लीन एनर्जी सोर्स भी है, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक जो कार बन रही हैं अब, ठीक है, तो ये सब चीज़ें गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने में, ठीक है, तो इसके लिए करा जाएगा। तो मिशन सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इट्स अ मिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस बेस्ड इकोनॉमी, डॉपिंग इथेनॉल इन पेट्रोल, ठीक है, ये सब चीज़ें करी जाएंगी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसमें एक और मिशन स्टार्ट हो, नेशनल हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत इंडिया को एक
एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है बना जाएगा, ठीक है। इंडिया इज अ न्यू ग्लोबल अर्बन एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये टारगेट पूरा करने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी और नेशनल हाइड्रोजन मिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हमारे जो पेट्रोल है उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर देगा, तो ऑटोमेटिकली हम एनर्जी इंडिपेंडेंट होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका अनाउंसमेंट हुआ था, इस पर क्वेश्चन अब आया है, पैटर्न जो क्वेश्चन का पैटर्न है कि हमारे भारत में जितने भी पुअर्स हैं उनको फोर्टिफाइड राइस जो है कब तक दे दिया जाएगा, अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो ईयर पूछा जा सकता है तो 2024 तक दिया जाएगा। अब ना बच्चों के मन में इस चीज का सवाल भी आ रहा था कि सर 45 जो राइस है वो है क्या, कौन सी स्कीम के अंडर आएगा। स्कीम्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी स्कीम चल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मिड डे मील चल रही है उसके तहत, ठीक है, और भी बहुत सारी स्कीम्स के तहत जो है फोर्टिफाइड फूड जो राइस जो है 2024 तक हर एक स्कीम में दिया जाएगा, इम्पोर्टेंट है। अब ये क्यों है, माल न्यूट्रिशन को कम से कम करने के लिए, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो बच्चों में है उनको तो स्पेशली कम करने के लिए, बाकी अदर जो पर्सन जितने भी हैं सभी को इसका इसमें टारगेट किया जाएगा, बच्चों के अलावा भी सभी को टारगेट किया जाएगा, ठीक है। मिड डे मील्स के तहत बच्चों को स्पेशली टारगेट किया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस होता क्या, फसाई क्या कहता है कि फोर्टिफाइड राइस मतलब है कि राइस की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कंटेंट है ना उसको इंक्रीज करना, ठीक है, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा इंक्रीज करना कि उससे क्वालिटी उसकी बढ़े और जो न्यूट्रिशन है ज़्यादा मिले और माल न्यूट्रिशन की जो दिक्कत है वो कम हो। इंडिया, हमें सभी को पता है कि इंडिया 1/5 वर्ल्ड में राइस प्रोड्यूस करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 1/5 राइस जो इंडिया प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छा वैल्यू है ये, ठीक है, इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन अगर बात करी जाए। दूसरा, इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर, आप देखें सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होता है हमारे इंडिया में राइस ही कंज्यूम होता है, तो डेफिनेटली राइस को ही एक ऐसा सोर्स बना सकते हैं जिससे हम माल न्यूट्रिशन को कम कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाल फिलहाल में ये जो चैंपियनशिप हुई आरसी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, इसमें ये कहाँ पे हुई, पोलैंड में हुई, ठीक है, इसमें इंडिया के कितने मेडल आए हैं, तो इम्पोर्टेंट है 15। एक खिलाड़ी प्रसिद्ध हुए हैं इसमें, तो खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, कमोलिका बारी जो है ये अब अंडर 21 में वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। और इन टोटल हम कितने मेडल जीते हैं, 15 मेडल इसमें हम जीते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कमोलिका बारी नाम याद रखिएगा, मैं भी पूछा रहा आपसे कि इनका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहा था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लॉन्च किया गया है, अब ये मिनिस्ट्री किसने लॉन्च किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको इसका पहले कंसेप्ट बताता हूँ कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो लॉन्च किया गया ना, डिसेबल पर्सन है उनको प्रमोट करने के लिए किया, उनको एम्पावर करने के लिए किया गया है। इसमें क्या है कि दिल्ली से ऑल ओवर कंट्री से और जितने भी शहर हैं वहाँ से डिसेबल पर्सन्स को ट्रेन किया गया और उसके बाद उनको, ठीक है, कौन से लोकेशन पर, ठीक है, जाने के लिए एक्सपीडिशन के लिए पूरी टीम बना के भेजा गया, तो आंसर है सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटल फील्ड सियाचिन ग्लेशियर। कोई कहेगा सर डिसेबल पर्सन है और सियाचिन ग्लेशियर में कैसे भेज दिया, तो बेटा इसके लिए पूरी तैयारी की होगी। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। इसके लिए आर्म फोर्सेस ने कंप्लीट ट्रेनिंग दी है, आर्म फोर्सेस जो वेटरन्स हैं, ठीक है, कंप्लीट ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, ट्रेन बाय द टीम ऑफ आर्म फोर्सेस वेटरन जो कि स्पेशली इन्होंने एक्सपर्टीज रखते हैं और उसके बाद इन्हें भेजा गया। डेफिनेटली ये ऑपरेशन जो इन्हें एम्पावर जरूर करेगा, डेफिनेटली रिक्वायर्ड है ऐसे ऑपरेशन। माई ई हार्ट पोर्टल कौन सी कंपनी का पोर्टल है जो आर्टिशंस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, आर्टिशंस को प्रमोट करने के लिए जितने भी कारीगर हैं उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया, तो ये HCL फाउंडेशन ने बनाया। ऐसे प्रमोशन के और भी बहुत सारी चीज़ें आपको फ्लिपकार्ट का भी बताया था, अब ये HCL फाउंडेशन ने भी बनाया। ई हार्ट क्या है, देखिए ई हार्ट क्या करेगा, HCL ने ये जो ई हार्ट पोर्टल बनाया इसके तहत जितने भी आर्टिशन हैं उन सभी को प्रमोट किया जाएगा कि इस पोर्टल पे आके अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करें। इट विल बी लाइक कस्टमर डायरेक्टली मीटिंग विद द, ठीक है, आर्टिशन, जिससे आप उनका प्रोडक्ट इजीली सेल हो पाएगा, ठीक है, प्रमोट हो पाएगा ऑनलाइन पोर्टल के तहत,
ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इस पूरे पोर्टल में ई पेमेंट ऑप्शन रहेगा, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन रहेगा, लॉजिस्टिक्स रहेंगे, सब कुछ है, रियल टाइम ट्रैकिंग रहेगी, तो सब कुछ HCL ही प्रोवाइड कराने वाला है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट जितने भी सेक्टर हैं उन सभी को बहुत फ़ायदा है अगर वो इस पोर्टल में आके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो, बेहतरीन है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा सकता आपसे कुछ, कौन सा हॉस्पिटल भारत का पहला हॉस्पिटल है जिसने अपने प्रीमिसेस में ही जो है फायर स्टेशन जो है बनाया है। देखिए हॉस्पिटल्स में रिक्वायर्ड भी होता है और एम्स जैसे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आंसर इसका एम्स ही है। एम्स ने किया है ऐसा कि एम्स पहला हॉस्पिटल है ऑल ओवर द इंडिया जिसने अपने प्रीमाइसिस में ही, बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है वैसे एम्स का, तो ये कुछ भी बना सकते हैं मेरे हिसाब से, तो बहुत लार्ज ठीक है स्केल पर इनका प्रीमाइसिस है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसके साथ मिलके इन्होंने किया है, तो दिल्ली फायर सर्विसेज के साथ मिलके जिसके डायरेक्टर अतुल गर्ग हैं, ठीक है, ये किया जाएगा। एम्स विल प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया एंड जो DFS है दिल्ली फायर सर्विसेज जो है बाकी फायर टेंडर इक्विपमेंट मैन पावर ये सब DFS प्रोवाइड कराएगा। DFS हाल फिलहाल में ऑल ओवर दिल्ली भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, 61 फायर स्टेशन है, ठीक है, 3000 के करीब पर्सनल हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह इंसिडेंट्स जहाँ पे इन्होंने लोगों को बचाया है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आ सकता है इस पर भी, देखिए बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको आज जो मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था PYQ वो भी बताऊंगा, एक नया क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको उसका आंसर जरूर देना है, ठीक है, बहुत फायदा होगा आपको। सुबह 6 बजे आप वर्ल्ड अफेयर्स पे जरूर देखिए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं आज आपको स्पेशली करंट अफेयर मेगा रिविजन करा रहा हूँ, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे दिया है आपको। सुबह 10 बजे मेगा रिविजन मिलेगा, 2 घंटे का मैराथन है, सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा, बच्चों को कंपाइलेशन की रिक्वायर्ड है तो वो मेगा रिविजन हो जाएगी, अनअकैडमी पे होने वाली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल कर दे दिया है, 10 बजे क्लास होगी, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। इन विच सिटी नरेंद्र सिंह तोमर इनोग्रेटेड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफर्निश्ड जीन बैंक, तो ये कहाँ पे सेटअप किया गया, दिल्ली में सेटअप किया गया, एग्जैक्टली एक पहले से ही सेटअप, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, इसी में सेटअप किया गया है डायरेक्ट, कि ये जो रिफर्निश जीन बैंक है ना, इसको नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है इसी में सेटअप किया गया है। और इस नेशनल जीन बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1996 में, ठीक है, जितने भी सीड्स जेनेरिक रिसोर्सेज प्लांट हैं उन सभी को, ठीक है, स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इसे बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, ठीक है, किसने इनोग्रेट किया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया गया, ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्निश्ड जीन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम एक होलिस्टिक स्कीम रहेगी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, इसमें अराउंड कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो 100 ट्रिलियन ऑप्शन में दे रखा है, इसकी अनाउंसमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुई है, क्या पता इससे और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। 16 करोड़ का गति शक्ति स्कीम बूस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसमें कहा गया कि ये इनिशिएटिव जो है प्राइवेट जॉब्स जो है बहुत सारे सेक्टर्स में यूज के लिए लेके आएगा, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसके लिए कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, वर्क फोर्सेज आएंगी, तो ऑब्वियसली यूथ को मौका तो मिलने वाला है। तो ये अगर गतिशक्ति नेशनल प्लान जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल प्लान अगर अचीव होता है तो इसमें बहुत सारा फायदा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ने वाला है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन अभी आगे नहीं आएगी, जब आएगी मैं डेफिनेटली आपको कवर कराने वाला हूँ। देखिए वेंकैया नायडू, क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में पढ़ने की कोशिश करा करो, ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट समय में ज़्यादा कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको फ़ायदा हो। वेंकैया नायडू जी ने हाल फिलहाल में एक पहले से ही रिसर्च इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, आप सभी जानते होंगे, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है इसे, ठीक है, इसके फाउंडेशन स्टोन रखे हैं। कहाँ पर है ये सेंटर, तो बेटा याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर बैंगलोर है, ये कोलकाता में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एक हाई लेवल पे इंस्टीट्यूट है जो पहले से ही बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू, आप देख सकते हैं इधर इमेज भी है, ठीक है, और मैं आपको इसकी डिटेल बता, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है, डिपार्टमेंट, इसको बहुत साल हो चुके हैं कि ये रिसर्च फील्ड में बहुत आगे इंस्टीट्यूट है। और अब इसका जो इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर बन रहा है ना, ये कहाँ पर बना, अर्कावती कैंपस और शिवनपुरम बेंगलोर में ही बना है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस लेबोरेटरी में बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि क्या है, इस इंस्टीट्यूट को और आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी रिसर्च होने के इसमें, ठीक है, संभावना इन्वेंशन होने के, साइंटिस्ट जो हैं उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहाँ पे इन्वेंशन करने के लिए, तो अच्छी बात है। चलिए देखिए कौन सा ऐसा इसमें पेट्रोलियम कंपनी है जो डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करा रहा है डीजल की,
तो ये हमने पहले भी आपने सुना होगा ऐसे करंट अफेयर में, आप थोड़ा बहुत रिपोर्ट चेक हुआ था तो उस पर क्वेश्चन आ गया, तो मे बी इसे अपडेट कर देना चाहिए। भारत पेट्रोलियम जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करा रहा है डीजल्स की। अब ये डिलीवरी कैसे प्रोवाइड कराएगा, इन्होंने कुछ फुल कार्ड्स, कुछ डिस्पेंसर रखे हैं, ठीक है, 63 मोबाइल डिस्पेंसर्स हैं जो कि अराउंड कुछ स्टेट्स में अभी काम भी करना स्टार्ट करेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न, इन सब में स्टार्ट भी हो चुका है। तो ये अच्छी सुविधा है जो मिलनी चाहिए थी। चलिए आज का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। देखिए पीस कीपिंग की रिक्वायरमेंट इस समय बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे अफगानिस्तान के हालात हैं, तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन बता दिया 1945, हेड इसके जैन पेरेक्स हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स आपने देखा होगा हमेशा ब्लू कलर का हेलमेट पहनते हैं, तो इसलिए इसे ब्लू बेरेट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर इसी ब्लू कलर का पहनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन का कलर भी कुछ ऐसा ब्लू कलर का ही है, ठीक है। और ये पीस कीपिंग फोर्स बहुत जगह काम करती है, ठीक है, बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट, इंडिया का बहुत अच्छा योगदान है पीस कीपिंग फोर्सेज में, ठीक है, हर बार कुछ अच्छी बटालियंस जो है पीस कीपिंग फोर्सेज की तरफ से जाती भी हैं। तो देखते हैं आज का क्विक पॉइंट जिसको मैं ओवर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ब्लैक राइस जो है ओरिजिनेट हुआ मणिपुर में, जिसको हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट किया गया यूरोप में। तो क्वेश्चन ये इसी तरीके का बनेगा कि कौन सी स्टेट है जहाँ पर ब्लैक राइस ओरिजिनेट हुआ जिसे हाल फिलहाल में यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया, तो मणिपुर में। वुमेन स्पोक्स पर्सन यूनाइटेड नेशन के कौन अपॉइंट हुए हैं, तो जोया अग्रवाल। सवाल पूछा गया है कि फेटल ट्राइंगल किसके द्वारा लिखी गई, तो तनवी, ठीक है, मदान। देखिए जो मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर देख लो, ये बेस्ट आंसर जो है, बेस्ट तो वैसे सभी के हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने अच्छे तरीके से डिटेल दी। सागर कुमार दास जो हैं इन्होंने करेक्ट डिटेल दी कि भाई कौन सा डायनेस्टी है जिसने बिल्ड किया पंचरथा फॉर ऑफ महाबलीपुरम, तो पलवा डायनेस्टी है। देखिए पलवा डायनेस्टी हमेशा से महाबलीपुरम से संबंधित रहा है। ये पांच रथ हैं, इसकी स्थापना पैट्रोनाइज इनके द्वारा किया गया, लोकेशन इसकी तमिलनाडु में, यूनेस्को डिक्लेयर्ड साइट है। आज का क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करिए, कमेंट बॉक्स पे इसकी डिटेल पूरी लिखिए जो जो आपको पता है, क्योंकि आज का क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2018 का, जिसको, ठीक है, 2019 में कंडक्ट कराया गया था। क्वेश्चन देखिए, बादामी चालुक्यास फर्स्ट हैड देयर कैपिटल वेयर, मतलब ये जो बादामी चालुक्यास है इनकी कैपिटल पहले कहाँ पे थी, क्योंकि उन्होंने बाद में शिफ्ट करके, ठीक है, इसे बादामी में कर दिया था, कैपिटल को बाद में शिफ्ट करके इसे बादामी में कर दिया था, इनकी कैपिटल पहले कहाँ पे थी, बिफोर दे मूव इट टू बादामी, तो बताइए पहले कैपिटल कहाँ पे थी, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। बेस्ट आंसर आई विल, ठीक है, स्क्रीनशॉट, और मैं ज़रूर बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर कल की क्लास में। तो आप जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अमन सर वाईफाई स्टडीज़, में आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, सारे लिंक मिल जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रहता है आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सर्च करिए अमन सर वाईफाई स्टडी, कनेक्ट करिए। मेगा रिवीजन आज सुबह 10 बजे होगा बेटा, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स पे स्पेशली डलवा रहा हूँ, इस क्लास का डायरेक्ट लिंक डलवा रहा हूँ, आप नोटिफाई कर लिए। बाकी आप मेरा प्रोफाइल सर्च करके फॉलो कर लो, या फिर प्रोफाइल नीचे लिंक में दे रखा होगा, फॉलो अमन सर अकेडमी, वहाँ पे फॉलो कर लो, तो आप कर सकते हो तीनों में से कुछ भी, बस आप सुबह 10 बजे मेगा रिविजन कर लीजिएगा, करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। नए कोर्सेस अवेलेबल हैं एसएससी या अन्य किसी भी गोल में आप जुड़े, कैशन क्लिक करें, जब रेफर कोड लाइव अमन लगाएंगे ना आपका ऑटोमेटिकली 24 मंथ सेलेक्ट करने पे आपका 1 साल फ्री होगा, क्योंकि इस रेफर कोड से आपको सारे डिस्काउंट, सबसे कम फीस होगी, मतलब आप ऑटोमेटिकली सारे टीचर से जुड़ने वाले हो, सारे सब्जेक्ट, सारे एग्जाम्स कवर होने वाले। इट्स अ वन शॉट सॉल्यूशन ऑन एकेडमी, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करिए, गोल सिलेक्ट करिए एसएससी या अन्य कोई भी, और जुड़िए प्लस कोर्सेज में, पढ़िए थ्योरी, ठीक है, कंप्लीट तरीके से। अन अकेडमी कॉम्बैक्ट संडे को 12 बजे होता है, 40 क्वेश्चन 50 मिनट में, इस बार मेगा कॉम्बैक्ट है तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेगा कॉम्बैक्ट के लिए आपको बस पार्टिसिपेट करना है, इफ़ यू आर लकी इन 1000 स्टूडेंट्स तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है, बाकी आप परफॉर्म करके भी ले सकते हो। रेफर कोड लाइव अमन है, इसको यूटिलाइज करना जब आप एंटर करना चाहते हो इन्वाइट कोड में। फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे अवेलेबल होंगी, जरूर देखिए। थैंक्स अ लॉट, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स की ये वीडियो आ जाती है, ठीक है, तो आप वीडियो सेक्शन से इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।